बिलावली में चल रहे 7 दिवसीय टूर्नामेंट में पहले दिन युवा क्लब राधागंज और पटलावदा के बीच में पहला मैच हुआ, जिसमें युवा क्लब राधागंज विजयी हुई युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ द्वारा मैन ऑफ द मैच मिथुन सोलंकी को 5 लीटर पेट्रोल का हार पहनाकर सम्मानित किया गया। जितेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि देश में बढ़ रही लगातार महंगाई के विरोध में आज सांकेतिक रूप से मैन ऑफ द मैच के रूप में 5 लीटर पेट्रोल इस लिए लाया गया कि पेट्रोल के प्राइस कई शहर में 100 रुपए से ऊपर है। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पूरे देश के लोग परेशान हैं। तमाम बड़े नेता से लेकर सेलिब्रिटीज और आम इंसान इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में पेट्रोल को सोने चांदी जितना महंगा मानते हुए मध्य प्रदेश के देवास बिलावली में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए प्रथम दिवसीय मुकाबले में जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना उसे इनाम में 5 लीटर पेट्रोल दिया गया। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर इसकी निंदा कर रहे हैं, कोई इसे लेकर मजाक बना रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास बिलावली मेन को लेकर एक अनोखा विरोध देखने को मिला। इस अवसर पर आयोजक अनुराग ठाकुर, गोलू धाकड़, देवेंद्र राठौर, राज बहादुर मकवाना, संजू ठाकुर, पल्लव ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, जय ठाकुर, अनुपम दुबे, सुनील धाकड़, हर्ष प्रताप सिंह और वीरेंद्र पटेल, कुलदीप नगर, अर्जुन ठाकुर, अमर जलौदिया, लक्की सिंह आदि देवास से मौजूद थे। देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज महाकाल ग्रुप का टूर्नामेंट बिलावली में चल रहा है। इसमें युवक कांग्रेस द्वारा मैन ऑफ द मैच पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल दिया गया है, जो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि देश में महंगाई कम हो, नहीं तो युवक कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।